हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अवर मेंस करंट अफेयर सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिशन सागर इनिशिएटिव को। सो अभी रिसेंटली ही आईएनएस केसरी को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया गया है टू हेल्प द ईस्ट नेशंस ऑफ इंडियन ओशन। सो क्या कुछ ये न्यूज है उसे हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इन डिटेल डिस्कस करेंगे मिशन सागर को, दैट हाउ मिशन सागर इनिशिएटिव इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन एंड टू कनेक्ट विद द ऑल द लिटरल स्टेट्स। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली क्या है कि पांच जो ईस्ट इंडियन ओशन नेशंस हैं, जिनमें मालदीव, सेशल्स, कॉमरोज आइलैंड्स, मेडागास्कर, मॉरिशियस, इन्होंने इंडिया से मदद मांगी। दीज नेशंस आस्क इंडिया फॉर हेल्प, क्योंकि यहां पर कोविड 19 की वजह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अदर देन दिस, लंबे टाइम से कोविड 19 की समस्या होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, स्कैसिटी ऑफ फूड की समस्या बहुत ज्यादा यहां पर हो गई है, स्पेशली आपके मालदीव में एंड आपका जो मेडागास्कर है, यहां पर फूड स्कैसिटी की समस्या ज्यादा हुई है। तो अभी क्या है, इंडिया ने In order to help these all nations, deploy किया है INS केसरी को, ठीक है, जो कि हर प्रकार की आपकी मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा और फूड आइटम्स को भी इन देशों तक पहुंचाएगा। सो क्या कुछ है इसके अलावा स्टूडेंट, जो आपका मोजम्बिक है, ये आप देख सकते हैं, विच इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, यहां पर भी डिप्लॉय किया गया है INS केसरी को। So, अभी क्या है, मोजम्बिक में दो समस्याएं हैं, एक तो स्कैसिटी ऑफ फूड की समस्या यहां भी बड़ी है भाई, लंबे टाइम से कोविड 19 की वजह होने की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो रुक गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों की नौकरियां गई हैं, पॉवर्टी बढ़ी है, और ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो है गरीबी को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। सो इंडिया ने यहां पर डिप्लॉयमेंट किया है और तकरीबन 500 टन जो है फूड आइटम्स की प्रोवाइड कराई है मोजम्बिक को। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज भी मोजम्बिक के नॉर्दर्न पार्ट में, कुछ जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। सो इन ऑर्डर टू कटेल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज, इंडिया इज आल्सो हेल्पिंग प्रोवाइडिंग मोजम्बिक 2 फास्ट इंटरसेप्टर्स क्राफ्ट एंड सेल्फ डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ठीक है, देखिए रेस्ट ऑफ मोजम्बिक में है ड्राउट की सिचुएशन आ गई है, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके भी टेररिस्ट एक्टिविटीज यहां बढ़ रही हैं, तो एक समस्या की बात है। इंडिया इस पूरे रीजन में ये जो आपका इंडियन ओशन रीजन है, चाहे ईस्टर्न वेस्टर्न बात करें इंडियन ओशन रीजन की, यहां पर एक लीडिंग नेशन है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडिया जो है मदद कर रहा है इन देशों की, ठीक है। तो चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट अदर नेशंस, जिसमें सबसे पहला बात करेंगे मालदीव की। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा मालदीव में भी फूड स्कैसिटी की समस्या बढ़ी है, भुखमरी बढ़ रही है, ड्राउट की सिचुएशन यहां भी कुछ बनी हुई है, ठीक है। तो फूड 600 टन ऑफ फूड आइटम्स जो है भारत अकेले मालदीव को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इन सभी देशों को, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कॉमरोस एंड सेशल्स, यहां पर जो है कोविड के केसेस लगातार, कोविड 19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सो मेडिसिंस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट किट्स पर्टेनिंग टू कोविड 19, इम्यूनिटी बूस्टर्स या आयुर्वेदिक मेडिसिंस, ये तमाम चीजें जो हैं भारत इन सभी देशों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं, आप थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़े से बैकग्राउंड की बात करेंगे कि भाई सागर इनिशिएटिव जो है, सागर का इनिशिएटिव का विजन क्या है, ठीक है। सो इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और 2015 में इसको शुरू किया गया था। प्राइमरी जो इसका गोल था या ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भाई जितने भी लिटरल स्टेट्स हैं आपके इंडियन ओशन रीजन में, उनके साथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बनाए, भारत जो है इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करे, इट इज बेसिकली ए नीड ऑफ आ, ठीक है। और विद अ व्यू टू दिस, सागर इनिशिएटिव बहुत ही ब्यूटिफुली काम कर रहा था या अभी भी कर रहा है, और कोविड 19 जब से 2020 से कोविड 19 की लहर बढ़ी है, तो सागर इनिशिएटिव के तहत बहुत से इनिशिएटिव जो हैं भारत ने इन ऑर्डर टू हेल्प दिस ऑल नेशंस लिए हैं, उन पर भी आएंगे। इसके अलावा सागर इनिशिएटिव का फायदा क्या है, सो सागर इनिशिएटिव या सागर मिशन आल्सो हेल्प
to implement the Act East policy of India, because many of the nations of Southeast Asian nations connect with Indo-Ocean nations. ठीक है, जिसमें कंबोडिया, ये जो है इंडोनेशिया है, ठीक है, बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे देश हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं. सागर इनिशिएटिव के माध्यम से लिटरल स्टेट्स के साथ अगर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक संबंधों को इंडिया मजबूत करता है तो क्या होगा, फर्दर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में भी मजबूती मिलेगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सागर इनिशिएटिव कॉन्टेक्स्ट में. अदर देन दिस प्रोजेक्ट सागर माला, ठीक है, इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी इंडियन स्टेट्स के बीच और जो वाटरवेज हैं उनको और प्रभावी करने के लिए प्रोजेक्ट सागरमाला भी शुरू किया गया था. सो यहां पर जो आपका आपका मिशन सागर है वो ना सिर्फ एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रोजेक्ट सागरमाला बट प्रोजेक्ट मौसम को भी स्ट्रेंथन करेगा. प्रोजेक्ट मौसम भी स्टार्ट किया गया था भाई टू कनेक्ट ऑल द लिटरल स्टेट, जो भारत है इंडियन ओशन रीजन के जितने भी नेशंस हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को और मजबूत कर पाए. तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चले नाउ, अब पिछले कुछ सालों में जो सागर मिशन के तहत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हम उन पे बात करेंगे. सबसे पहले वी कैन टॉक अबाउट जो आपका 2020 में मई में एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव सागर मिशन के तहत लिया गया टू हेल्प द लिटरल स्टेट्स, ऑल द लिटरल स्टेट, तकरीबन 15 जो स्टेट्स हैं इसके तहत इंडिया ने कवर किए और इन 15 स्टेट्स को अराउंड 3000 मीट्रिक टन ऑफ फूड एड भारत ने प्रोवाइड कराई है. देखिए छोटे आइलैंड नेशंस हैं, भले ही बहुत ज्यादा गेन्स इंडिया को यहां से नहीं होते हैं बट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है. बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दीज ऑल नेशंस, चाइना इज ऑलरेडी हियर, इवन वेस्टर्न नेशंस आर लुकिंग दिस रीजन. जैसे मैं बहुत बार अपने लेक्चर्स में इंडियन ओशन रीजन की सिग्निफिकेंस पर आपको बता चुका हूं इन डिटेल कि भाई इंडियन ओशन रीजन वो रीजन है कि जितना ज्यादा कंट्रोल जिस भी देश का या जितने भी ग्रुप ऑफ नेशंस का रहेगा उतना ही उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उतना ही प्रॉस्पर वो देश रहेंगे, ठीक है. क्योंकि 62% राइट नाउ जो ग्लोबल जीडीपी है या 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन के रीजन के माध्यम से ही हो रहा है. तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और अगर इन सभी देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है, भारत इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा कि भारत की पकड़ जो है इंडियन ओशन रीजन में हमेशा बनी रहेगी. एक एडवांटेज ज्योग्राफिकली तो भारत को है ही, इंडिया को है ही. अगर इंडिया नहीं करेगा तो चाइना तो कर ही रहा है, अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा ही रहा है. जैसे जिबूती का एग्जाम्पल है, श्रीलंका का एग्जाम्पल है, चटगांव में बांग्लादेश में पोर्ट बनाया है, ऐसे बहुत से फाइन एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. सो हियर इंडिया इज हेल्पिंग अराउंड 3000 मीट्रिक टन ऑफ फूड एड. अदर देन दिस 300 मीट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी, क्योंकि ये वो समय था जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी. मैं बात कर रहा हूं आपके 2020 में जून के, ठीक है. सो चलिए स्टूडेंट आगे बात करेंगे. इसके अलावा नवंबर में INS रावत जो है उसने भी फूड आइटम्स डिलीवर की मिशन सागर सेकंड इनिशिएटिव के तहत. आपके जो आपके अफ्रीकन नेशंस हैं, सुडान, साउथ सुडान, जिबूती, इरेट्रिया, इन देशों को जो है फूड आइटम्स, बहुत ज्यादा फूड की भुखमरी फैल रही थी, बहुत ज्यादा फूड की कमी नेशंस में हो गई थी, तो इंडिया कम फॉरवर्ड टू हेल्प दीज नेशंस ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ठीक है. अदर देन दिस आपका मिशन सागर थर्ड भी शुरू किया गया इंडिया का, यह भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था और एक डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस था COVID-19 के समय में ही, ठीक है. और ये अर्ली आपके जनवरी फरवरी के समय ही ये इनिशिएटिव लिया गया था इसी साल टू हेल्प द साउथ ईस्ट नेशंस, जिसमें वियतनाम एंड कंबोडिया दोनों देश प्राइमरली शामिल थे. ऑलराइट, सो वी गॉट एन आइडिया नॉट ओनली इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन रीजन बट आल्सो इन द वेस्टर्न साइड ऑफ nations, India is connecting through Sagar Initiative. So here the Sagar Initiative or Sagar Mission play an important role for India to implementing the foreign policy of India in Indian Ocean region or to save the national interest of India in this whole region. All right. So I hope student आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा. Now let us talk about the significance of this region. तो अभी जो हमने points पे बात की है उसी से हमको एक अंदाजा हो जाता है कि भाई जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये टर्म ऐड किया गया है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट, कि हमें अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देनी है, साथ ही साथ जो एक्सटेंडेड नेबर्स हैं उनको भी कनेक्ट करना है. अगर स्पेशली बात जब हो रही है इंडियन ओशन रीजन की तो इन सभी देशों के साथ हम कैसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं. ऑलराइट, तो हियर सागर इनिशिएटिव, मौसम इनिशिएटिव जैसे जो आपकी पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत की कनेक्टिविटी बनाने में बहुत ज्यादा सहायक है.
इसके अलावा यूजफुल इन टैकलिंग टेररिज्म। अब टेररिज्म की समस्या तो भारत में बहुत लंबे समय से रही है, ना सिर्फ भारत में, अब इन देशों में भी ये समस्या बढ़ रही है। मेडागास्कर इज फेसिंग समस्या प्रॉब्लम, मोजम्बिक इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू काउंटर द रैपिडली ग्रोइंग टेररिज्म इन दिस होल रीजन, इंडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल बाय प्रोवाइडिंग यहां का डिफेंस जो है इनको मजबूत करने के लिए, ठीक है, जैसे इंटरसेप्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, मिसाइल्स प्रोवाइड कर सकता है, और आर्म्स एंड आर्म्स आर्सेनल जो है वो प्रोवाइड भारत इन देशों को कर सकता है, ठीक है, ताकि क्या है भारत की साख भी इन रीजन्स में बढ़ेगी, रिलेशंस तो बनेंगे ही, ठीक है। अभी तक क्या है, हम डिफेंस बायर रहे हैं, हम जो है रशिया और इसराइल और यूएसए से जो है डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते रहे हैं, बायर की फॉर्म में हम ज्यादा रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि भाई भारत को बेचनी भी तो है ये चीजें, ठीक है। तो इन देशों के साथ कनेक्टिविटी बनेगी तो हमारी डिफेंस रिलेशंस भी और मजबूत होंगे। इसके अलावा टैकलिंग कॉमन मैरीटाइम चैलेंजेस, नाउ यहाँ पे बहुत से मैरीटाइम चैलेंजेस हैं, जैसे पायरेसी की समस्या इन सभी इस रीजन में बहुत ज्यादा है, सोमालियन पायरेट्स की समस्या है, ठीक है, और भी पायरेसी जैसे बहुत इश्यूज हैं, स्मगलिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, ऑलराइट, या फिर आपके जो पर्यावरण एनवायरमेंट से संबंधित चैलेंजेस हैं इस पूरे रीजन में। सो इंडिया कैन हेल्प दीज नेशंस, या मिलकर ये देश भारत के साथ काम कर सकते हैं थ्रू सागर मिशन। सो हियर वी कैन से दैट स्टूडेंट की भाई सागर इनिशिएटिव भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम कर सकता है इन सभी लिटरल स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, और भारत के जो भी राष्ट्रीय हित हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं इन सभी देशों से संबंधित, उनको और मजबूत करेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।